वेलकम इन माय किचन, तुहाडा सारिआं दा स्वागत है। बहुत अच्छे वाली बच्चों वास्ते, तुहाडे वास्ते एक बहुत स्पेशल वाली रेसिपी लैके आई हाँ। खा अंकल ने जानी है कोई गल नहीं, अंकल ने खानी है तो तुहानू भी मिलेगी किसी वेले, जरूर बनाना। एक आटा गुनना में चंगा, मतलब कोई स्पेशल आटा कोई नहीं है, जिवें आपां आम रोटियां दा आटा गुनदे हाँ उही जो गुन लेना। पर ये ना मैं 2 चम्मच मैदे वाले पा रही हाँ, आटा पूरा दूसरा विच 2 चम्मच मैं जड़े हैं मैदे दे पाते, जरा क नमक पाता है। तो खासियत सिर्फ ये वे, या तो इनू दही नाल, मलाई नाल, दूध नाल कर लो, नहीं तो 1 चमचा जड़ा घी का पा लो। साढ़े को 2 आलू ने, तो इन्हों ना कद्दूकस कर लेना वे, कद्दूकस कर लो, वैसे मैश कर लो। तो इस तो बाद असी एक ना जिवें आलू वाली, आलू पनीर वाला बना रहे हैं, जिवें आलू वाली रोटी बनाई दी है वो वाला आलू बना लो, तो दिखा दी हाँ किदा किदा मसाले पा लो। ये आलू असी कर ले, पनीर नू भी विच ही असी कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस तां कर लेंगे क्योंकि ना ये जड़ा है ना फिर विच मोटे मोटे डले रह जाण जेकर, ता फिर सानू ना रोटी विच लान लग्या तंग होना पेगा। आपां पहला ही इहदा प्रबंध करके इहदा मक्कू ठप के रखने आ इस पनीर दा या इस आलू दा। आलू ते पनीर ये दोनों असी इहदे च पा ले ने। धनिया, धनिया अगे कहिंदे सी नमक स्वाद अनुसार ते आकड़ औकात अनुसार, अजकल तो हर चीज़ औकात दे अनुसार ही हो गई जे भी हूँ तो धनिया भी जड़ा वे वह भी कहता मैं लै ना इन्ना महंगा धनिया। चलो भाई कर लैन अपनिया मन मर्जियाँ, ये जड़ा अमीर आदमी है वह अमीर हो ही जा रहा वे, तो कर करके स्टोर तो बेचते फिरते ने। चलो कोई नहीं, तो ये हैगा साडा अदरक, इनू भी ये कद्दूकस कर लें। लो जी आ गई साड़ी नमकदानी, नमकदानी जड़ी है बड़ी बारी दिखा चुकी हाँ। ये जी लक्कड़ दी है, तो ये 9 खाने ने, पूछ लेंदे हो नमकदानी कितों। तो ये जी थोड़ी जी करारा करना है, पावांगी लाल मिर्च, थोड़ा जा जीरा पाउडर, नमक तो पाना ही पाना है। ये मैं स्पेशली पावांगी थोड़ी जी काली मिर्च, बहुत स्वाद लगती है ये, तो जरा कु आमचूर पाउडर फिलिंग पाते हो आलू पनीर की जो सब्जी बनाते हो उ जड़ा पा के मिक्स कर लेना जी। असी गुन के थोड़ा जहा रखता से रेस्ट करन, आटा समिज गया, पंजाबी पता की कहें समिज गया, अंग्रेजी हिंदी कहें रेस्ट करा लो, रेस्ट करा लो, उत्ते दे चादर भी दे दो ताकि आराम नाल सौ जावे। नहीं भाई इनू सवाना नहीं है, आपां इहदे कोलों काम लैना बड़ा। तो ये लो जी हुण असीं आटा लै लिया, तो हुण तुहानूं बना के दिखाने आ ये रोल। एक पेड़ा लैके ना उहनूं वेल लो, जिवें दा तुसीं आलू दी रोटी बनाउण वास्ते या कोई भी रोटी बनाउण वास्ते वेल दे हो, इदां करके वेल लैना, ठीक है जी, चंगी तरह नाल पतला लंबा पूरा। असी वेल ली, वेल के ते ए जड़ा आपा मटीरियल बनाया होया ना इनू स्प्रेड कर देना पूरी रोटी दे उपर, धूड़ा पा के ना वेलने नाल माड़ा चेंज कर लो ताकि ये सारी इहदे विच फैल जाए ते चिपकी रहे, ठीक है जी। लो हुण इहदा एक रोटी बनाने की बजाय दे उत्ते इनू इदा करके ना रोल कर लेना। ये जी उस रोटी का रोल जड़ा है ये बन गया, ठीक है जी, ये रोटी का रोल बन गया। इनू होर थोड़ा जा इदा कर लो, फटे ना, ये ध्यान रखना है कि फटे ना, पतला असी बहुत किया होया जड़ा इत्थे ये भी इनू असी नाल चंबड़ गया, कोई चिंता वाली गल कोई नहीं हैगी। तो लो फिर हुण की करना, हुण असी इनू इत्थों पहलां तां कट देना।
ठीक है जी। हुण इधरों भी कट देना, लो ये दो असी कट दिते, इको जे असी हुण इन्हां नूं कटिंग कर लेनी है, सारे कट लाँगे आपां। ऐ देखो जी, ऐ बन गया ना, इहनूं माड़ा जिहा ऐं दबा दिओ, ठीक है। दूसरे नूं भी इदां ही दबा दिओ, ये सारे हाथ दे नाल दबाई जाने हैं, देखो इदां। देसी घी लिया तुसी कोई भी लै सकते हो, तो इनू ए पा दो। देखो जी बच्चों सब्जी पनीर रोटी तीनों चीज़ा मिक्स आ गई, खवाण का बेस्ट तरीका वे असी देसी घी ही बनाने ताकि बच्चे जड़े है वह भी आराम नाल जड़े है खा सकन, भी उन्हां अंदर भी कोई ताकत वाली चीज़ जावे। लो फिर ये पाते असी सारे इन्हां नूं जी इदां करके ना परता लो, फ्लिप करके दूजे पासा भी जड़ा है असी चंगी तरह फ्राई कर लांगे। बच्चों के टिफन वास्ते तो जदों आलू या कोई भी रोटी बना रहे हो जिदे विच पानी ना होवे, इदां वेल के कट के जिस वेले मर्जी बना दिओ बच्चों नूं। बच्चों नूं बुलाउण दा कड़ा कोई औखा तरीका हुंदा है, ते इह अजे थोड़ा जिहा तेज़ करांगी ते लाल होण तक असी पकावांगे। बलजीत अज खैर हैगी है, सवेरे भी जल्दी हुण भी जल्दी, तुसीं नाश्ते दी टेबल ते पहले ही आ के बह गए हो। सदके जावां, कर दिता है ना, तैयार हो गए ने आलू दी परांठे ते बजाए असी कर ले स्नैक्स पनीर आलू, तुसी कोई भी फीलिंग ये पाओ तो इंजॉय कर सकते हो, इनू बहुत अच्छी तरह नाल देखो खा के वेखदे आ फिर कहो जे बने। आ गई जी असली डिश जिहड़ी अज असी बनाई, देखो जी सोहनी है भी, बच्चों ने बड़ी लाइक की, बड़ी सोहनी है, बड़ी सोहनी है ना ਇਹ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਨਾਮ ਨਾ ਆਪੇ ਦੇ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ ਬਲਜੀਤ, ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਰੋਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੋਭੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਬਣਾਏ, ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਏ, ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਿਓ ਜਿਹਾ ਬੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਰਾਈ ਵਾਲਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਰੜਿਆ ਹੋਇਆ ਆਟੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੋਲਾ ਉਤੋਂ ਕਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਘਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੜਾ ਰੜਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਘਿਓ ਨਹੀਂ ਬੜਦਾ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾਸ਼ਤਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਉਹ ਪਾਈਆਂ, ਪਨੀਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਆਲੂ ਪਾ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਮਿਰਚ ਮਸਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾ ਲਏ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰੀ ਖਾਓ, ਲਾਲ ਖਾਓ, ਕਾਲੀ ਖਾਓ, ਚਟਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਖਾਓ। ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਪਪੀਤਾ, ਪਨੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਪਨੀਰ ਵਾਲੇ ਰੋਟੀਆਂ ਪਰੌਂਠੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਦੇਖੋ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਨੀਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਆਲੂ ਵਾਲਾ ਪਰਾਂਠਾ ਉਹਨੂੰ ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਤਲ ਦਿੱਤਾ, ਸਨੈਕ ਬਣ ਗਏ। ਟਵਿਸਟ ਟਵਿਸਟ ਬੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਾਕਾਰੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਹੁਨਰ ਹੈ ਇੱਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣਾ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਪੇਜ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ
जिन्हें ने नहीं फॉलो किया होया फॉलो कर लेना। बहुत अपा हाई लैके जानी है मां बोली पंजाबी ते पंजाबी खाने। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी।